कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे चांदनी की हसीन छाओ में, चांदनी की हसीन छाओ में, शहर से दूर एक गांव में, शहर से दूर एक गांव में, मेरी नजरों ने जाल फेंका था, मेरी नजरों ने जाल फेंका था, और मैंने पनघट पे उसको देखा था, छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, कि तलवार पुरानी है। सरदार भाई आपके लिए कह रहा हूँ कि तलवार पुरानी है मगर काट वही है, और थोड़े से बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। Yeah.
शेर होगा। मर्दाना में आओ मर्दाना क्या चीज है, खुदा की कसम अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। के दर्द क्या चीज है, क्या उसका मजा होता है, और उससे पूछो जो दिन भर का थका होता है। के दर्द क्या चीज है, क्या उसका मजा होता है, और उससे पूछो कि जो दिन भर का थका होता है। और शेर क्या है रहमान भाई, शेर क्या है, किसी शायर के जिगर से पूछो तो लकीरों में लहू दिल का भरा भरा भरा। अब आप बोलिए, शेर पेशे नजर है, शाख पे गुल की तरह, मोहतरमा गौर फरमाइए, शाख पे गुल की तरह, फूल पे शबनम की तरह, तुम रहो साथ मेरे जख्म पे मरहम की तरह। क्या बात है, जो अंदाज है मैडम का, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि चलो यूं ही बसा कर ले, चलो यूं ही बसा कर ले, तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह उधर कर ले। जिन्होंने हमें कुछ पैसे दिए हैं, और मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जनता कवाल सेंटर, जिसको मरहूम सनाउल्लाह साहब ने इजाद किया था और अब उसको संभाल रहे हैं उनके फर्जंद सैयद समीउल्लाह, समीउल्लाह जहां भी हो वो यहां है मेरे सामने ये कहने गया है क्या, तू तो एक लाल है कश्मीर। जितने भी नौजवान हैं उनके लिए शेर पेश कर रहा हूँ कि एक हसीना के जख्म पर मरहम लगाने हम गए। खुदा की कसम, मरहम ना मिला, मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। तू तो एक लाल सोच रहे यार, अजीब कमाल है, अभी तो हौस पाक की शान में गा रहा है, ख्वाजा साहब की शान में गा रहा है, लेकिन मुझे हुक्म मिला है, क्योंकि मैं आप सबका हुक्म टाल सकता हूँ लेकिन सदर साहब का हुक्म नहीं टाल सकता। सदर साहब की फरमाइश है तो मैं सरदार भाई के लिए एक शेर कहना और चाहता हूँ। सरदार भाई है कहाँ, मुझे बता दीजिए आप कहाँ है। सरदार भाई जहाँ भी हो यहाँ आ जाए, और अगर ये कहते हुए तो और भी अच्छी बात है क्या। तू तो एक लाल है कश्मीर के, किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, कि लगी है आग, लगी हुई है सलीके से आग पानी में, और नदी में पाँव है उनके नदी रवानी में। मैं चाहता हूँ
मैं चाहता हूं कि कुछ हल्के फुल्के अशारों के साथ आपको दो चार अशार ऐसे भी सुना दूं जो आप कहें कि हाँ बिल्कुल कव्वाल आया था। समा फरमाइए, मैं नौजवानों को भी चाहता हूँ कि खुश रखूं और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी खुश हो जाएं और जो हमारी माँ बहने हैं वो भी खुश हो जाएं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, पहला मिसरा जवानों के लिए है लेकिन दूसरा मिसरा सरकार रहमान शाह बाबा और फूल शाह बाबा के लिए, ये भी जरूरी है कि जवान नौजवान सुने कि इश्क कर एक तरफ हो तो सजा देता है, वाह वाह, इश्क कर एक तरफ हो तो सजा देता है और अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। आया समझ में शेर, कि इश्क कर एक तरफ हो शायद तो सजा देता है और अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अब शेर सुनिए कि मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, अरे मेरा साथी मुझे आंखों से पिला दे।
नौजवान हैं, ये सब उनकी नजर कर रहा हूँ शेर, ये शेर नौजवानों की नजर है कि पेड़ों पर जब कच्चे फल पक जाते हैं, इस गजल का बाकी जो शेर है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शुरू में कि तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, तो आप इस बात को जहन में रखें, मैं बाद में इस बात का खुलासा करूंगा। शेर पेश कर रहा हूं मैं, ये माँ की कोप से कब्र का रास्ता दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, और सरस साहब की भी तवज्जो चाहता हूं। अरे तेरा मेरा प्यार पुराना, आजकल का जो प्यार है नौजवान सुन ले, वो SMS के जरिए भी हो रहा है, ईमेल के जरिए भी हो जाता है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये शेर और ये वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। छोटा सा वाकया है कि तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, खुदा की कसम तवज्जो चाहता हूँ। तेरा मेरा प्यार पुराना, एक लड़का जा रहा था कहीं, शहर का वक्त था, एक लड़का जा रहा था कहीं, हुई जो शाम को रस्ते में मिल गई एक हसी। ये बात ध्यान में रखे कि तेरा मेरा प्यार बड़ा लगता है। अजान हो रही,